आम आदमी पार्टी को राज्यसभा से एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल सांसदों के सहमति के बिना हस्ताक्षर के आरोप में आप सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है। विशेष अधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक आप सांसद निलंबित रहेंगे। इससे पहले आप सांसद संजय सिंह को भी राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था। संजय सिंह के निलंबन को भी बढ़ा दिया गया है, जबकि सुनील कुमार रिंकू लोकसभा से निलंबित है। ऐसे में आपके कुल 11 में से 3 सांसद इस सत्र में अब तक निलंबित हो चुके हैं। राज्यसभा में बीजेपी सांसद पीयूष गोयल ने राघव चड्ढा के मामले का जिक्र किया। उन्होंने कहा, ये बहुत गंभीर मामला है। जिस तरह से बिना सदस्य की जानकारी के उनका नाम लिस्ट में डाल दिया गया, वो बहुत ही गलत बात है। पीयूष गोयल ने आगे कहा कि बाद में राघव चड्ढा ने बाहर जाकर कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है और वो इस मामले पर ट्वीट भी करते रहे। जब तक विशेष अधिकार हनन की रिपोर्ट नहीं आती, तब तक राघव चड्ढा का निलंबन जारी रहेगा। दरअसल राज्यसभा में जिस दिन दिल्ली सेवा विधेयक पर वोटिंग हुई थी, उसी दिन 5 सांसदों ने दावा किया था कि दिल्ली सेवा विधेयक को उनकी सहमति के बिना सिलेक्ट कमेटी को भेजने के प्रस्ताव पर उनके नामों को मेंशन किया गया था। सभी सांसदों ने कहा था कि उन्होंने कोई हस्ताक्षर नहीं किए हैं, लेकिन उस पर उनके हस्ताक्षर मौजूद थे। सांसदों ने कहा था कि सिलेक्ट कमेटी को जो भेजने का प्रस्ताव राघव चड्ढा ने दिया था, इन सभी सांसदों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस मामले में जांच की मांग की थी। जैसे ही विवाद सामने आया, तो उसके बाद राज्यसभा के उपसभापति ने कहा कि इसकी जांच कराई जाएगी। बीजेडी के सांसद संबित पात्रा, बीजेपी के नरहरी अमीन, सुधांशु त्रिवेदी, फांग नोन कौनयांग और उपसभापति थम्बी दुरई ने आरोप लगाया था कि उनके फर्जी नाम के हस्ताक्षर किए गए हैं।